इसके पहले हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और कंटिन्यूअस बॉडी के सारे इनर्शिया के फॉर्मूले निकाले थे। इसके बाद हमने परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम क्या है, पैरेलल एक्सेस थ्योरम क्या है, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, इसकी भी बात कर चुके हैं। आज हम लोग टॉर्क में, टॉर्क की बात तो हो चुकी है लेकिन वर्क डन बाय टॉर्क या टॉर्क से रिलेटेड वर्क की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे उसकी बात करेंगे। तो बेटा नॉर्मल हमको एक बात पता है कि जब हम वर्क डन की बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आता होगा डब्ल्यू इक्वल एफ एस कॉस थीटा, जिसको जनरली लोग लिखते हैं डब्ल्यू इक्वल एफ डॉट एस। ये सिंपल फॉर्मूला होता है लेकिन अगर बॉडी कंटिन्यूअस होती है, फोर्स वेरिएबल होता है, तो लोग इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से यूज करते हैं डी डब्ल्यू इक्वल इंटीग्रेशन एफ डी एस कॉस थीटा या एफ डी एक्स कॉस थीटा, जहां पर लिमिट होती है एस वन से लेकर एस टू तक। ये हम तब अप्लाई करते थे जब हमारा फोर्स कैसा होता था, वेरिएबल होता था। ये आपने वर्क एनर्जी थ्योरम के टॉपिक में पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन अब कह रहा है कि आखिर वर्क डन बाय टॉर्क, टॉर्क ने कितना वर्क किया, तो हम हेडिंग लगाते हैं कि वर्क डन बाय टॉर्क। क्या आपको मालूम है कि जैसा हमारा ट्रांसलेशनल में फोर्स होता है वैसे ही रोटेशनल में टॉर्क होता है, जैसे ट्रांसलेशनल में मास होता है वैसे ही रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। कहने का मतलब दोनों सिमिलर प्रॉपर्टीज की तरीके ही बिहेव करती हैं लेकिन फॉर्मूले में थोड़ा चेंजमेंट कर देते हैं। सपोज दैट ये हम कोई स्ट्रक्चर ले लेते हैं, इस स्ट्रक्चर में ये बेटा हमारी लाइन ऑफ एक्शन है या एक्सेस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सेस ऑफ रोटेशन से आर जो डिस्टेंस है वो कौन सी डिस्टेंस, सबको मालूम है कि ऑलवेज परपेंडिकुलर फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन से कैसा लेना है, परपेंडिकुलर। एक हम काम करते हैं कि यहां पर फोर्स एफ लगा देते हैं, हमने यहां पर फोर्स लगा दिया एफ। अब वो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये एफ इस कंपोनेंट को रोटेट नहीं करा सकता क्योंकि ये इस तरफ खिंच रहा है। तो हम एक काम करें, अगर इधर का कंपोनेंट मिल जाए तो हम वेरिएबल बना सकते हैं। तो थोड़ा सोचो कि ये जो एफ का कंपोनेंट है तो एफ का थीटा, एक ये कंपोनेंट और इसका परपेंडिकुलर एक ये कंपोनेंट, तो दो कंपोनेंट हमारे पास बने। आप एफ अगर आप लाइन ऑफ एक्शन के हिसाब से ले रहे हो तो इसको क्या कहोगे, थीटा कहोगे। अगर आप इसको थीटा कहोगे तो इसको क्या बोलोगे, एफ कॉस थीटा। तो बताओ एफ कॉस थीटा का ये वाला कौन सा कंपोनेंट, एफ साइन थीटा, ठीक है। हमने फोर्स एफ को क्या किया, बेस के अकॉर्डिंग थीटा ले लिया, तो ये एफ कॉस थीटा और ये वाला एफ साइन थीटा। अब जरा सोचो बेटा कि हम लेट कर ले थोड़ी देर के लिए कि जब हम माने कि यहां से यहां पे पार्टिकल चलना स्टार्ट हुआ, तो लेट ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट था वो मान लो कितना था, डीएस था। अब मैंने डीएस क्यों लिया, क्योंकि सोचो ये ऑब्जेक्ट बेटा ऐसे ही घूमेगा इस तरीके से स्ट्रक्चर में, तो जब ये इस तरीके से घूमेगा तो सर्कुलर पाथ क्रिएट करेगा, तो सर्कुलर पाथ में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम डीएस कहते हैं, या उसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हो आप लोग, या लीनियर डिस्टेंस कहते हो। तो हमने कितना लेट कर लिया, डीएस। अब बताइए जरा वर्क कितना मिला। तो बेटा हमको एक चीज मालूम है कि जो वर्क हमारा यहां पर होता है वो जनरली होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, क्योंकि आपने स्मॉल डिस्टेंस ली है, तो डी डब्ल्यू इक्वल क्या होगा बेटा, एफ हमारा फोर्स, लेकिन फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, एफ साइन थीटा। कॉस थीटा नहीं ले सकते, कॉस थीटा तो इसको रोटेट करा ही नहीं पाएगा, रोटेट कौन कराएगा, एफ साइन थीटा। तो कौन सा कंपोनेंट, एफ साइन थीटा। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना लिया आपने, डीएस लिया। डिस्प्लेसमेंट कितना लिया, डीएस लिया। अब थोड़ा सा और सोचो जरा, क्या आपको याद है, अगर इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे बना दें, सपोज दैट ये पोजीशन है ऑब्जेक्ट की और ये एंगल है डी थीटा, यहां से एक्सेस ऑफ रोटेशन है ऐसे घूम रहा है, ये कितना डिस्टेंस डीएस और ये कितनी है आर, रेडियस मान लेते हैं आर। तो आपने अच्छी तरीके पढ़ा एंगल इक्वल आर का पान रेडियस, एंगल इक्वल आर का पान रेडियस, मतलब डी थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी बेटा डीएस अपान आर। डी थीटा एंगल इक्वल आर्क लेंथ कितनी, डीएस, रेडियस कितना आर। तो क्या मैं डीएस की जगह यहां लिख सकता हूं आर डी थीटा, क्या मैं डीएस की जगह लिख सकता हूं आर डी, जरा यहां पे आऊं तो डी डब्ल्यू इक्वल
एफ साइन थीटा और बताओ डीएस की जगह आर डी थीटा। क्या बच्चा एफ साइन थीटा को परपेंडिकुलर फोर्स कहते हैं, कौन सा फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स। तो डी डब्ल्यू इक्वल ये कौन सा फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स। अब जरा सोचो ये क्या है आर, अगर आपको आर को इसके साथ वैलिड करना है तो सबसे अच्छा तरीका हम परपेंडिकुलर ना लिखें ठीक, और साइन थीटा और आर को मिला दें तो शायद बन जाएगा क्रॉस। क्या आपको याद आया आर क्रॉस एफ बोलो या एफ क्रॉस आर बोलो, बस डायरेक्शन बदल जाती है। डायरेक्शन कैसे बदल जाती है, एंटी क्लॉक है तो बाहर, क्लॉक है तो इनसाइड। तो क्या मैं साइन थीटा को रिप्लेस करके यहां क्रॉस लिख सकता हूं, और क्रॉस का मींस होता है साइन थीटा, तो ये बन गया एफ क्रॉस आर इंटू बेटा डी थीटा। क्या इसको देख के याद आया टॉर्क, टॉर्क क्या होता है आर क्रॉस एफ या एफ क्रॉस आर, या तो फोर्स को परपेंडिकुलर ले लो या तो डिस्टेंस को परपेंडिकुलर ले लो, तो इसको क्या कहते हो टॉर्क कहते हो। तो डी डब्ल्यू इक्वल क्या प्रूव हुआ टाऊ डी थीटा, डी डब्ल्यू इक्वल क्या प्रूव हुआ टाऊ इंटू डी थीटा। अगर इसको वेरिएबल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो डी डब्ल्यू इक्वल इंटीग्रेशन टाऊ डी थीटा फ्रॉम बेटा थीटा वन से लेकर थीटा टू तक। तो ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना जब आपसे कह दे कि टॉर्क इज द फंक्शन ऑफ थीटा, टॉर्क किसका फंक्शन है थीटा का। जस्ट लाइक कुछ ऐसे लिखा हो ए थीटा स्क्वायर प्लस बी थीटा प्लस का सी, कुछ इस तरीके से फंक्शन दिया हो और कह दे यहां पर ए बी सी कॉन्स्टेंट है और ये वैरी कर रहा है थीटा वन से लेकर थीटा टू, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं डी डब्ल्यू इक्वल इंटीग्रेशन कहां से थीटा वन से लेकर थीटा टू टॉर्क डी थीटा। वैसे ये अप्लाई कम होगा, सबसे ज्यादा यही अप्लाई होता है। अब आगे देखो बेटा, ये तो मिल गया कि टॉर्क ने कितना वर्क किया। क्या आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि डब्ल्यू इक्वल एफ एस कॉस थीटा, ये जो लिखा है तो इसको मैंने लिखा एफ डी एस कॉस थीटा। बेटा लीनियर ट्रांसलेशनल का जो डिस्टेंस होता है डीएस और रोटेशनल का जो डिस्टेंस होता है डी थीटा, ठीक है। लीनियर का जो फोर्स होता है वो एफ और जो रोटेशनल का फोर्स होता है वो टॉर्क, तो सिमिलर ही जो लिखा है वो ट्रांसलेशनल के लिए अप्लाई करना है और ये किसके लिए अप्लाई करना है, एक्सेस ऑफ रोटेशन या रोटेशनल मोशन कह सकते हो या आप सर्कुलर मोशन भी कह सकते हो। तो ये हमको फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा बताइए, आपने टॉपिक पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी या इसको कुछ लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नाम से भी कहते हैं, जहां पर ओमेगा इक्वल होता है डी थीटा अपॉन डीटी, ओमेगा इक्वल डी थीटा अपॉन डीटी। तो क्या मैं डी थीटा के प्लेस पर, क्या मैं डी थीटा के प्लेस पर ओमेगा इंटू डीटी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं, डी थीटा के प्लेस पर ओमेगा इंटू डी टी लिख सकते हैं। इसको लेट कर लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जरा बताओ बेटा डी डब्ल्यू इक्वल बेटा टॉर्क टाउ हो गया और बताओ डी थीटा की जगह क्या लिखोगे ओमेगा डी टी। बेटा डी टी को अपॉन में ले आओ तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इक्वल बेटा टाउ इंटू ओमेगा, ये डब्ल्यू डब्ल्यू काट मत देना, ये ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी और ये क्या है वर्क डन। क्या आपको इसको देख के याद आया द रेट ऑफ वर्क इज नोन एज पावर, द रेट ऑफ वर्क इज नोन एज पावर, क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में था पावर की डेफिनेशन। तो क्या लिखते थे आप लोग डब्ल्यू अपॉन टी, डब्ल्यू अपॉन टी, तो ये वही तो लिखा है, बस इसका नाम थोड़ा कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस पावर, लेकिन सिंबल तो वही रहते हैं, सिंबल कहां बदलेंगे। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं टी लिख सकते हैं कि नहीं, तो बोलो फॉर्मूला नया क्या बन गया P इक्वल टाउ ओमेगा, W नहीं P इक्वल टाउ ओमेगा, जहां पर ओमेगा क्या है, क्या है एंगुलर वेलोसिटी। और क्या आपको याद है कि एंगुलर वेलोसिटी बच्चों 2 पाई f होती है, जहां पर फ्रीक्वेंसी क्या होती है रिवॉल्यूशन पर सेकंड, जहां पर f को क्या लिखते हो आप लोग रिवॉल्यूशन पर सेकंड या हर्ट्ज के नाम से कहते हैं, रिवॉल्यूशन पर सेकंड कहो या हर्ट्ज कहो। तो बताओ टॉर्क ने कितना वर्क किया बच्चा टाउ डी थीटा, ठीक है। अब वर्क में पावर कितनी जनरेट हुई तो पी इक्वल टाउ इंटू ओमेगा। अब थोड़ा सा अगर आप चाहो और बदलना चाहते हो तो फॉर्मूले को और चेंज कर सकते हो, कैसे चेंज कर सकते हो बेटा टॉर्क इक्वल आई अल्फा होता है। अगर आपने प्रूविंग इसके पहले देखी होगी तो कहीं प्रूव किया गया था कि टॉर्क इक्वल होता है आई अल्फा, तो बताइए पावर कितनी मिलेगी आपको आई
अल्फा ओमेगा। पावर बताइए P इक्वल आई अल्फा ओमेगा। क्या अल्फा को हम लोग डी ओमेगा अपॉन डी टी कहते हैं? क्या अल्फा को डी ओमेगा अपॉन डी टी कहते हैं? तो क्या मैं अल्फा के प्लेस पे डी ओमेगा अपॉन डी टी लिख सकते हैं? अल्फा क्या है? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन, जो किसके इक्वल होता है बेटा? डी ओमेगा अपॉन डी टी के। जरा वैल्यू अप्लाई करिए, इसको कुछ लेट कर लीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए, तो जरा रख लीजिए। तो बताइए यहां से P की वैल्यू क्या मिली? आई इंटू डी ओमेगा अपॉन डी टी इंटू ओमेगा। क्या बच्चा? P इंटू डी टी इक्वल आई ओमेगा इंटू डी ओमेगा। क्या P इंटू डी टी को देखकर कुछ याद आया? क्या आपने यहां कुछ लिखा था? ये देखिए, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी को आपने क्या लिखा था? पावर लिखा था। इसका मतलब है कि P इंटू डी टी, मतलब आपने लिखा P इक्वल डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, तो क्या डी डब्ल्यू के प्लेस पे लिख सकते थे P इंटू डी टी? तो बताओ हमको ये वर्क मिला, तो वर्क डी डब्ल्यू इक्वल आई ओमेगा डी ओमेगा, इंटीग्रेशन कर दीजिए, डी डब्ल्यू इक्वल इंटीग्रेशन आई होगा नहीं, ओमेगा डी ओमेगा। तो बच्चा मान लीजिए ओमेगा इनिशियल से लेकर ओमेगा फाइनल तक, हम कहां से कहां चले? इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल। कुछ लोग सीधे सीधे जीरो से ओमेगा कर देते हैं, आप लास्ट में कंडीशन में उसको भी कर सकते हैं। तो बताइए डी डब्ल्यू का करेंगे तो डब्ल्यू मिलेगा आपको, आई का बेटा होगा नहीं, ओमेगा की पावर वन, वन में वन ऐड करो तो स्क्वायर बन जाता है, अपॉन में उसी को लिख देते हैं, तो बाई टू को कर लो बाहर, और बेटा यहां कितना बना? ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इनिशियल से लेकर ओमेगा फाइनल तक। तो नेट फॉर्मूला क्या बन गया? वन बाई टू आई। अब बताओ ओमेगा की जगह ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। तो वर्क डन भी मिल गया, कितना? वन बाई टू आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। अगर आपको कहे कि हम मीन पोजीशन से चलते हैं, मीन पोजीशन का मतलब जीरो से, तो भैया ओमेगा इनिशियल को जीरो कर देना। क्यों जीरो कर देना? क्योंकि फ्रिक्वेंसी होगी ही नहीं, रिवोल्यूशन होगा ही नहीं। तो ये पोर्शन जब जीरो हो गया तो जीरो वाला मैक्सिमम कहां तक जाएगा भाई? अगर हम टाइम के लिमिट कहें मैक्सिमम बताओ तो टी से ज्यादा बड़ा कुछ से, अब टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ओमेगा, इससे बड़ी वैल्यू होगी नहीं। तो बेटा जीरो से ओमेगा लाओगे तो फॉर्मूला क्या बना दोगे लास्ट में? तो W इक्वल वन बाई टू आई, वन बाई टू आई, ये पोर्शन जीरो, बेटा कितना आ जाएगा? होशियार लोग W से W काट देंगे, ध्यान रखें ये ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है जिसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, और ये क्या है? नेटवर्क डन, नेटवर्क डन। तो ये कहानी थी हमारी वर्क की, जो टॉर्क ने वर्क किया, तो ये आपको पहला वर्क मिला, टॉर्क ने कितना किया, फिर टॉर्क में हमको पावर मिली कि पावर कितनी होती है, फिर टॉर्क में वो वर्क मिला जो रोटेशन के लिए होता है, तो ये फॉर्मूला मिला। ठीक, नोट कर लें। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम। आपने लीनियर मोमेंटम सुना होगा, उसके फॉर्मूले को पहले रिवाइज करो बेटा। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? पी, और जहां पर बेटा पी को हम क्या कहते थे? एम वी, पी इक्वल एम वी, या मास इनटू वेलोसिटी। क्वांटिटी कैसी होती थी? वेक्टर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती थी टूवर्ड्स वेलोसिटी, जहां मोशन होगा वहीं पर मोमेंटम होगा। अब देखिए दोनों सिमिलर चीजें हैं, ये ट्रांसलेशनल में है, लीनियर में अप्लाई हो रही है, और ये रोटेशनल में अप्लाई हो रही है, दोनों सिमिलर आते हैं, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है। डिफरेंस इस बात का है कि ये ट्रांसलेशनल है, एक सरफेस के अलोंग वर्क करती है, एक डिस्टेंस पे वर्क करती है, और ये वर्क करती है कहां पर? एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से, फिगर के हिसाब से बात को समझो बेटा। हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर सपोज दैट ये पार्टिकल है और उसकी स्पीड कितनी है? वी है। ठीक, तो अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने बताया कि जहां पर मोशन होगा वहीं पर आपका मोमेंटम होगा, कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम। कहने का मतलब कि अगर यहां वी है तो यहीं पर होगा पी, ये तो श्योर है क्योंकि पी इक्वल एम वी के हिसाब से।
लेकिन हमको एक बात मालूम है कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है आपकी, इसमें आप रोटेट करा रहे हो, इसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ कहीं होगी, यहाँ पर पार्टिकल होंगे, वी स्पीड से रोटेट कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर हम बेटा यहाँ पर एक बात को समझें कि ये v है, तो ये v का ये वाला कंपोनेंट थीटा, जिसको कहते हो v cos थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट बेटा v sin थीटा, ठीक। ऐसे यहां पर होगा ये v cos थीटा, ये v sin थीटा, ऐसे जितने भी पार्टिकल्स होंगे सभी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके होगा। तो बेटा यह जो एंगुलर मोमेंटम है l, जिसको l कहते हो, और l होता है r क्रॉस p, r जानते हो सभी लोग क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन, और p क्या है बेटा, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो अब बताओ कि अब यहां पर समस्या ये है कि l इक्वल r m v और क्रॉस हटाओ साइन थीटा, अरे भाई p इक्वल m v और क्रॉस हटाओ तो क्या लगाते हो, साइन थीटा। अब समस्या ये है कि ये मास के साथ तो साइन थीटा लग नहीं सकता, क्योंकि मास तो कांस्टेंट टर्म है। अब समस्या ये है कि r के साथ वाला थीटा भी हो सकता है और v के साथ वाला भी थीटा हो सकता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो आपने फिगर अप्लाई किया है उसके हिसाब से तो m इंटू आर, और शायद आपको दिख रहा है v साइन थीटा। देखो जरा m अलग कर लो, r अलग कर लो, ये क्या बन गया, v साइन थीटा। अब जरा रोटेशन देखो, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन निकालने का वही तरीका, स्क्रू लगा दीजिए, चाहे राइट हैंड पाम रूल को लगा दीजिए। पहले स्क्रू ला कर क्या करेंगे, आर की डायरेक्शन में निब को रखो और किधर घुमा दो, जिधर मोशन हो या जिधर मोमेंटम हो, कौन सा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हमेशा वही होगा जहां पर बेटा मोशन होगा। आपको कोई धक्का मार दे तो जिस डायरेक्शन में आप मोशन करोगे उसी डायरेक्शन में आपका मोमेंटम होगा, मोमेंटम अपोजिट नहीं आ सकता। जब आपने देखा होगा जब क्रिकेट वाले खिलाड़ी बॉल कैच पकड़ते हैं तो हाथों को पीछे कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि मोमेंटम को कम करने के लिए अपने हाथों को मोशन के डायरेक्शन में पीछे करते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं होता कि बॉल आ रही तो हाथ आगे कर लेते हैं, हाथ को पीछे कर लेते हैं, जिससे मोमेंटम कम हो जाए। मोमेंटम कम हो जाता है तो कम क्या हो जाता है, इम्पल्स कम हो जाता है। तो इम्पल्स कम हो जाता है तो जो फोर्स होता है वो स्मॉलर वैल्यू रखता है। जैसे किसी हैमर से किसी आप कील को, आप किसी कील पे हैमर को मारिए और डिस्टेंस थोड़ी बढ़ा दीजिए तो फोर्स कम हो जाएगा, और जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा वहां पर इम्पल्स क्रिएट होगा। तो फोर्स कम तो इम्पल्स कम, इम्पल्स कम तो मोमेंटम कम। तो मोशन जहां पर होगा वहीं पर हमारा मोमेंटम। तो बेटा आर में रखा और वी साइन थीटा की तरफ घुमाया तो कहां, ऊपर की तरफ, कौन सा, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक का मतलब बाहर, एंटी क्लॉक का मतलब बाहर। इसका एंगुलर मोमेंटम कहां है, बाहर की तरफ, कहां पे है, बाहर की तरफ। तो याद कर लीजिए एंटी क्लॉक टू आउटसाइड, एंटी क्लॉक टू आउटसाइड। अब थोड़ा सोचो कि अगर यही वी साइन थीटा, ये वी इधर जा रहा होता तो ये v cos थीटा, ये v sin थीटा नीचे की तरफ आता, नीचे की तरफ आता तब क्या करते, तो नीचे की तरफ आता तो ऐसे घुमाते, ऊपर की तरफ है तो ऐसे घुमाओगे। तो भैया रोटेशन समझ गए, नीचे की तरफ है तो ये कैसा है, क्लॉक की एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज, और ऐसे खोल रहे हो तो एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक तो कहां, बाहर, और क्लॉकवाइज तो कहां, अंदर, ठीक है। एंटी क्लॉक तो आउटसाइड और क्लॉक तो इनसाइड। याद करने का सबसे अच्छा तरीका, जहां टॉर्क वही मोमेंटम, कौन सा, एंगुलर मोमेंटम, जहां टॉर्क वही एंगुलर मोमेंटम, जहां पर अल्फा वही ओमेगा, जहां ओमेगा वहीं पे थीटा। याद करने का तरीका है कि लोग डायरेक्शन को याद कर लेते हैं। तो आप याद रखिए क्लॉकवाइज है तो इनसाइड होगा और एंटी क्लॉक है तो आउटसाइड होगा। तो बेटा v sin थीटा इस फॉर्मूले को चेंज कर लो, हम यहां पर बेस्ट कंडीशन के हिसाब से चलें अगर, तो बेटा आपको मालूम है sin 90 मैक्सिमम होगा, ये r है ये v है, तो मैक्सिमम में थीटा कितना होता है 90 डिग्री, तो थीटा 90 हो जाएगा तो l की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, mvr, mvr। क्या आपको याद है बेटा कि m v की वैल्यू क्या होती है, r ओमेगा, v की वैल्यू क्या होती है, r ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी विद एंगुलर वेलोसिटी। तो v इक्वल r ओमेगा इनटू r, तो l इक्वल क्या बेटा, m
आर स्क्वायर ओमेगा, एम आर स्क्वायर को देखकर कुछ याद आया होगा आपको, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, तो एल इक्वल बच्चा क्या प्रूव हो गया, एल इक्वल प्रूव हो गया आई ओमेगा, एल इक्वल क्या प्रूव हुआ आई ओमेगा। ठीक है, अब थोड़ी सी बात को और सुनिए, एल की वैल्यू हमको पता चल गई क्या है आई ओमेगा, ठीक है, या एल इक्वल क्या है एम वी आर, या एल इक्वल क्या है आर क्रॉस पी, जहां पर जैसा अप्लाई करा है न्यूमेरिकल में, वैसे न्यूमेरिकल में ज्यादातर चांसेस बेटा इन्हीं दोनों के रहते हैं, न्यूमेरिकल में ऊपर वाला पोर्शन नहीं आता है, तो या तो एम वी आर होगा या तो I इंटू ओमेगा होगा। ओमेगा आप सभी जानते हो क्या होता है, 2 पाई F होता है, जहां पर F क्या है रिवोल्यूशन पर सेकेंड है। आप चाहो तो इस ओमेगा को चेंज कर सकते हो बहुत सारी चीजों से, कैसे आप इस ओमेगा को टॉर्क के फॉर्म में भी बदल सकते हो, इस ओमेगा को आप डी थीटा अपॉन डी टी पर भी चेंज कर सकते हो, और यहां पर 2 पाई एफ भी लिख सकते हो। मतलब कहने का यह है कि एल इक्वल आई इंटू 2 पाई एफ भी हो सकता है, ठीक है, एल इक्वल आई इंटू डी थीटा अपॉन डी टी भी हो सकता है, ये सारे फॉर्मूले इसी के लिए वैलिड है। तो बेटा एल कितना मिला आई ओमेगा। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, इसी चीज के लिए कुछ लोग प्रूविंग कराते हैं, प्रूविंग भी आप कर सकते हो, प्रूविंग कैसी है इसको भी आप देख सकते हो। तो यहां पर प्रूविंग की नीड इतनी रहती नहीं क्योंकि शॉर्टकट मेथड रहता है, ज्यादा इजी रहता है। बाकी आप कर सकते हो लेटा पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल ले लीजिए, उनका मोशन करा लीजिए, तो मोशन कराने से भी आपको यही प्रूविंग मिल जाएगी, ठीक है, तो वो बेस्ट ना करके ये ज्यादा अच्छा है। अब जरा सोचो बेटा, आपने टॉर्क क्या निकाला था, टॉर्क क्या निकाला था टाउ, और टाउ इक्वल क्या था बेटा आई अल्फा, तो बताओ टाउ इक्वल आई, और बेटा अल्फा को क्या कहते हो डी ओमेगा अपान डी टी, अल्फा को क्या बोलते हो डी ओमेगा अपान डी टी, टाउ इक्वल आई अल्फा, अल्फा क्या होता है डी ओमेगा अपान डी टी, ठीक है। अब जरा आपने प्रूफ किया है एल इक्वल आई ओमेगा, आपने प्रूफ किया एल इक्वल आई ओमेगा, हम क्या कर दें बेटा डिफरेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसकी रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कॉन्स्टेंट है जैसे जस्ट लाइक अ मास, तो इसमें कुछ हो नहीं सकता, तो क्या लिखोगे डीएल अपान डी टी इक्वल आई इंटू डी ओमेगा अपान डी टी, बोलो ठीक है, डीएल अपान डी टी किसके मिला आई इंटू डी ओमेगा अपान डी टी, इसको लेट कर लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको लेट कर लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। जरा फर्स्ट और सेकेंड को देखो, फर्स्ट और सेकेंड में आर एच एस सेम है, फर्स्ट और सेकंड में आरएचएस सेम है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड का कंपैरिजन करा लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा टाउ इक्वल डीएल अपॉन डीटी। क्या आपको कुछ ऐसे नहीं दिख रहा है कि हमने कहीं ऐसा सुना है कि एफ इक्वल डीपी अपॉन डीटी होता है, न्यूटन सेकंड लॉ यहीं से स्टार्टिंग है उसकी, कि फोर्स किसके इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो क्या आपको ये नहीं दिख रहा है कि ये ट्रांसलेशनल का है और बिल्कुल सेम यही लिखा है, बस ये रोटेशनल का है, यहां पर फोर्स एफ नहीं होती टॉर्क होती है, यहां पर मोमेंटम पी होता है लीनियर में, और रोटेशनल में क्या होता है एल होता है, तो क्या लिख सकते हो बेटा जो एक्सटर्नल टॉर्क है, जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो बेटा किसके इक्वल होता है इक्वल टू द किसके इक्वल बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, किसके सेम बच्चा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के सेम होता है, तो टाउ इक्वल डी एल अपॉन डी टी, फिर एक मिला था टाउ इक्वल आई अल्फा, फिर टाउ इक्वल आई इंटू डी ओमेगा अपॉन डी टी, आपने एंगुलर मोमेंटम कितना निकाला आर क्रॉस पी, ये मेन फॉर्मूला है। अच्छा इसकी यूनिट नहीं बताई, तो यूनिट आप लिख सकते हो बेटा, इसकी यूनिट केजी होती है, इसकी मीटर पर सेकेंड होती है, और इसकी मीटर होती है, तो बेटा यूनिट क्या बन गई केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक, इसको जूल के टर्म में बदल सकते हो, कैसे बदल सकते हो इंटू सेकेंड, तो जो अपान वाला सेकेंड लोगे वो सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा, और केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को जूल कहते हैं, ML2 T - 2 ML2, और ये जब ऊपर जाएगा तो T - 2, तो क्या मैं इसकी सेकंड यूनिट चेंज कर सकता हूं, क्या लिख सकता हूं जूल इंटू सेकंड, इसकी एक यूनिट ये न्यूमेरिकल में ज्यादा आती है,
तो जूल इंटू सेकेंड कहो या केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड कहो, ठीक है। क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है, कैसा एंटी क्लॉकवाइज? आर को घुमाओ पी की तरफ या पी की जगह वी हो सकता है। तो अगर एंटी क्लॉक है तो आउटसाइड, और यदि रोटेशन क्लॉकवाइज है तो इनसाइड होगा, ठीक है। नोट कर ले। ठीक है, टॉर्क आया डीएल अपान डीटी, ठीक। हमको टाउ की वैल्यू मिल गई बेटा डीएल अपान डीटी। थोड़ा सा आप पुराना कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए, जब हम लोग लिखते थे एफ इक्वल डीपी अपान डीटी, ठीक है, तो कहते थे कि किसी सिस्टम में, किसी एक बॉडी में, किसी एन बॉडी में कोई फोर्स ना लगे। सपोज दैट कि एक क्लासरूम में 50 लोग बैठे हैं और सभी एक दूसरे के हैंड बाई हैंड कनेक्ट हैं। अगर बेटा कोई भी फोर्स ना लगाओ तो क्या किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी बच्चे का मोमेंटम बदलेगा? नहीं बदलेगा। अब मान लीजिए कि सपोज दैट कि आप एक ट्रक है, उस ट्रक में 10 लोग भाई खड़े हुए हैं, तो जब तक ट्रक मोशन नहीं करेगा तब तक मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो अगर हम थोड़ी सी इसी बात को यहां पे अप्लाई कर दें, हमने क्या किया कि एक व्यक्ति है, उसके दोनों हाथों पर हमने 10-10 केजी का वेट दे दिया और उसको मूविंग टेबल पर खड़ा कर दिया। अब मूविंग टेबल पर खड़ा कर दिया तो अभी टेबल में मोशन नहीं है, इसका मतलब है कि कोई टॉर्क तो नहीं। जब मोशन नहीं होगा तो लाइन ऑफ एक्शन से फोर्स लगेगा नहीं, और फोर्स लगेगा नहीं इसका मतलब है कि टॉर्क वहां पर आप क्या कर रहे हैं? जीरो कर रहे हैं। अब टॉर्क जीरो कर रहे हैं तो डीएल इक्वल बेटा जीरो, डीटी का इंटू जीरो करोगे जीरो हो जाएगा। तो डीएल इक्वल जीरो, जहां पर एल को क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? अब कांस्टेंट में इंक्लूडिंग जीरो, कांस्टेंट जीरो के साथ में इंक्लूड होता है। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए उस मूविंग टेबल को हमने रोटेशन स्टार्ट कर दिया, तो जो कोई जो भी बंदा है उसको पकड़ कर जो घूम रहा है, तो अभी उसके हथेलियों पर वेट ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका ये जो आर है, इस हाथ ये कह सकते हो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो आर दिख रहा है ये ज्यादा है, ठीक है। अगर ये आर छोटा हो जाए तो क्या टॉर्क छोटा होगा? टॉर्क इक्वल आर क्रॉस एफ। अगर आर छोटा तो टॉर्क छोटा, ठीक। अब बात को समझिएगा, आई इक्वल होता है एम आर स्क्वायर, आई इक्वल होता है एम आर स्क्वायर। जब दोनों हाथों से ऐसे पकड़े हैं इसका मतलब है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये आर डिस्टेंस ज्यादा है, टॉर्क ज्यादा है। टॉर्क ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया भी ज्यादा है, और मोमेंट ऑफ इनर्सिया ज्यादा है तो ध्यान रखना एंगुलर एक्सीलरेशन कम होता है। बात को ध्यान रखिएगा, टॉर्क ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया भी ज्यादा होगा तो एंगुलर एक्सीलरेशन कम होगा। तो ये घूमेगा तो, लेकिन बहुत स्पीड से नहीं घूमेगा। अगर उसी दोनों को पकड़कर वो ऐसे कर लेता है तो लाइन ऑफ एक्शन से डिस्टेंस बहुत छोटी हो गई, डिस्टेंस पास में आ गया ना। अब लाइन ऑफ एक्शन से आर बहुत छोटा है, तो अगर आर छोटा है तो टॉर्क कम, तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया भी कम, तो एंगुलर एक्सीलरेशन ज्यादा। अब वो तेज तेज घूमेगा। तो अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो ये आप ध्यान रखिएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया तो ज्यादा कर देंगे, आप टॉर्क भी ज्यादा कर देंगे, लेकिन एंगुलर एक्सीलरेशन कम हो जाएगा। और मोशन के लिए आपके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एंगुलर एक्सीलरेशन। जैसे लीनियर एक्सीलरेशन होता है मोशन के लिए, वैसे ही एंगुलर एक्सीलरेशन भी होता है। कौन से मोशन के लिए? रोटेशनल मोशन के लिए। तो इस वे में जब वो खड़ा होगा तो मोशन फास्ट नहीं करेगा, जब वो इस वे में खड़ा होगा तो मोशन कैसा करेगा? फास्ट करेगा। अब फास्ट करेगा, अब उस बात को थोड़ा और समझो कि मान लीजिए दोनों पैर खोल के कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए और फिर कह दो घूमो, नहीं घूम सकता, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन से आर बढ़ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया बढ़ जाएगा, आपको एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसी को एक पैर पे खड़ा कर दिया जाए तो नाचने लगता है। क्यों? क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो आर होता है वो आर का सेपरेशन कम, जितना छोटा मोमेंट ऑफ इनर्सिया उतना ज्यादा एंगुलर एक्सीलरेशन होता है। बोली मेरी बात, समझे? तो ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है हैंगिंग वाला, कि अचानक एक मूविंग टेबल पर घूमता हुआ व्यक्ति हाथों को समेट लेता है तो बताइए मोशन पे क्या फर्क पड़ेगा।
तो अचानक समेट लेने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, एंगुलर एक्सीलरेशन ज्यादा, तो उसका मोशन फास्ट होगा। बोलो बात ठीक है, तो इसको नोट कर लें।